आरएसएस प्रमुख का महत्वपूर्ण बयान। मोहन भागवत कहते हैं, सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुसलमान अलग नहीं है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, बिहार जा रही स्लीपर बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, महिला की मौत, 50 जख्मी। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में पुलिस का एक्शन, 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। गाजीपुर में पीएम मोदी 9 जुलाई को मेडिकल कॉलेज का करेंगे लोकार्पण, 24 एकड़ में 240 करोड़ की लागत से बना। प्रयागराज में पुलिस बूथ के पास गोली मारकर युवक की हत्या, ताऊ गिरफ्तार, उसके कई दोस्त हिरासत में। यूपी में पौधरोपण अभियान का लक्ष्य पूरा, एक दिन में रोपे गए 25.51 करोड़ पौधे, नए कीर्तिमान भी बना। राफेल डील पर कांग्रेस फिर एक्टिव, राहुल का आरोप, जांच से बचना चाहते हैं मोदी क्योंकि मित्र को बचाना है। फोटो शेयर कर लिखा चोर की दाढ़ी। जम्मू कश्मीर में उड़ती आफत पर एक्शन, राजौरी और कठुआ के बाद श्रीनगर में भी ड्रोन पर बैन, अब पुलिस स्टेशन में जमा कराने होंगे। कोरोना गुजरात, राज्य के 16 जिलों और एक महानगर में कोरोना के 0 मामले सामने आए, 3 महानगरों और 9 जिलों में एक एक मामले सामने आए। आरटीआई में जवाब देने से किया मना, स्कूल की ट्यूशन फीस के बारे में फीस कमेटी को ही नहीं पता। गुंडों ने माँ बहन को धमकाया, हिंदू युवा वाहिनी के लोग आपके प्रदेश अध्यक्ष के घर गए, इटालिया बोले सीआर पाटिल ने गुंडे भेजे। विरोध प्रदर्शन, सूरत के गुड़ादरा में धर्म विरोधी बयान देने पर आपके अध्यक्ष गोपाल इटालिया की प्रतिमा जलाई गई। जब सूरत में कोरोना केस पर काबू पाया गया तब वीकेंड पर धुम्मस बीच खुला तो परिवार सहित लोग जमा हो गए। सुरक्षित उपाय, सूरत आने वाले लोगों के लिए रेलवे स्टेशन पर लंबी लाइन तो तेज हुई कोरोना टेस्टिंग। सूरत के कापोद्रा में स्थानीय प्रसिद्धों और लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर देसी शराब की बिक्री का पर्दाफाश किया। सूरत की इकोनॉमिक सेल और यशोजी की बड़ी कार्रवाई, 264 गाड़ियां किराए पर लेकर बेच दी, 200 गाड़ियां बरामद, 22 मालिकों को लौटाई गई। सावधान रहे, व्यापारी से बिटकॉइन के नाम पर 9 लाख की ठगी, फर्जी ऐप डाउनलोड करवा मिरर इमेज के जरिए दिखा रहे थे कई गुना मुनाफा। लाना थे ऐसे बेटों पर, 85 वर्ष की सास को पीटने वाली बहू से पुलिस ने बचाया, बुजुर्ग महिला को पीटने का वीडियो पुलिस तक पहुंचा, बाद में बुजुर्ग महिला को विधा आश्रम में भेजा गया। मानसून सेशन पर छाएगा आंदोलन का बादल, सत्र के दौरान रोज 200 किसान संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे, विपक्ष को वार्निंग लेटर भेजेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पीएम मोदी से मांग, इस साल डॉक्टर को दिया जाए भारत रत्न। सागर धनखड़ हत्याकांड, जेल में बंद सुशील कुमार मांग रहा है टीवी, अधिकारियों को लिखा पत्र। किसान आंदोलन, मिल्खा सिंह की याद में किसान मजदूर मैराथन का आयोजन, टिकेट बोले फ्लाइंग सिख बड़े खिलाड़ी थे। दिल्ली, सेना के जवान से लूटपाट करने के मामले में 2 गिरफ्तार, 9 गोलियां बरामद। दिल्ली, बुद्ध विहार में 4 मंजिला इमारत में लगी आग, दमकल कर्मी समेत 2 घायल। बिहार में बाढ़, मोतिहारी में देखते ही देखते जमीन दोज हो गया मकान, दरभंगा में भरभरा कर गिरी स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग। बिहार, घर के अंदर चल रहा था देह व्यापार का धंधा, पुलिस ने जाल बिछाकर किया भंडाफोड़। पिंक सिटी में बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। कोरोना के चलते स्वच्छता टालने से महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी ने की आत्महत्या। पालघर जिले की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, कई लोगों के घायल होने की खबर।